श्री स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप धोरण बे में प्रकरण नौ धीस एंड डेट, आप धीस एंड डेट क्यारे वपराय पण सीखी गया, धीस नो उपयोग करता पण सीखी गया, तो आज आप डेट विषे सीखवाना छे। तो बाळको जुओ के अहीं चेर आपेली छे, छे ने चेर, तो आपने क्रॉस में एरो करेलो छे, तो डेट इज अ चेर। वाक्य शू बनशे? डेट इज अ चेर। त्यार पछी अम्ब्रेला छे, एमां पण जुओ के क्रॉस में आपने एरो आपेलो छे। पेली छतरी छे, पेली छतरी छे, अंग्रेजी वाक्य शू बनशे? कि डेट इज एन अम्ब्रेला। ए एन क्यारे लागे ए पण आपणे शीखी गेला छे कि डेट इज एन अम्ब्रेला। डेट इज अ ट्री, आ ट्री छे, क्रॉस में आपने एरो आपेलो छे। वाक्य शू बनशे? डेट इज अ ट्री। तो जुओ के अहीं हूँ लखू छूँ, डेट इज अ चेर। શું? ડેટ ઇઝ અ ચેર। બીજા નંબરનું છે અમ્રેલા, ડેટ ઇઝ એન અમ્રેલા। ડેટ ઇઝ એન અમ્રેલા। ત્યાર પછી જોઈએ તો ડેટ ઇઝ અ ટ્રી। डेट इज अ ट्री। हवे जोईए तो आपणे एक सूरज दादा दोरी, शुं दोर्युं? सूरज दादा, बराबर। हवे आपणे आ रीते क्रॉसमां एरो करीए, शुं आवशे? धीस आवशे कि डेट आवशे? डेट। शुं आवशे? डेट इज अ सन। डेट इज अ सन। शुं आवशे? सन। પછી આપણે અહીં એક એપલ દોરીશું, તો આપણે ક્રોસમાં એરો કર્યો, તો શું આવશે? ધીસ ઇઝ એપલ કે ડેટ ઇઝ એન એપલ આવશે? ડેટ ઇઝ એપલ છે, એન લાગે ને, એન એપલ। ડેટ ઇઝ એન એપલ। તો બાળકો આ તમારી અંગ્રેજી નોટબુકમાં તમારે લખવાનું છે। જય સ્વામિનારાયણ।